T20 वर्ल्ड कप 2007 की हर किसी की अपनी अपनी यादें हैं। इस वर्ल्ड कप के हर हिस्से से जितने किस्से आए हैं वो भी अपने आप में कमाल की बात है। एक ऐसा ही किस्सा है जो ऐतिहासिक है और वो है युवराज सिंह के 6 छक्कों की कहानी। इसको आपने बार बार देखा होगा, इसके बारे में लोगों से सुना भी होगा, लेकिन ये ऐसी कहानी है जिसे बार बार सुनने में मज़ा भी आता है। युवराज ऐसे पहले खिलाड़ी बने थे जिसने T20 में ऐसा कमाल किया था, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट था, क्योंकि यहाँ युवराज सिंह और स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ साथ एक किरदार और था जो इस कहानी के पीछे था, वो थे एंड्रयू क्लिंटफ। हेलो नमस्ते क्रिकेट की कहानियों में, आज कहानी युवराज सिंह के उस 6 सिक्स वाले कमाल की करते हैं और कहानी उन 6 छक्कों से पहले हुई लड़ाई की करते हैं जिसने युवराज को प्रवोक किया था। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया इंग्लैंड में थी, वहां पहले टेस्ट सीरीज हुई और फिर बाद में वनडे सीरीज हुई। 5 सितंबर को सीरीज का 6ठा मैच हुआ, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और जब आखिरी ओवर की बारी आई तो कप्तान राहुल द्रविड़ ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। उन्होंने युवराज को आखिरी ओवर दिया। बल्लेबाजी का नंबर ओवेश शाह और दिमित्री मैस्करेनहंस का था। आखिरी 5 बॉल पर दिमित्री ने युवराज को लगातार 5 छक्के लगा दिए। किसी भी बॉलर पर जब ऐसा प्रहार होता है तब वो अंदर तक हिल जाता है, युवराज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब सीधा 2 हफ्ते बाद की कहानी पर चलिए। T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया था। 19 सितंबर को भारत और इंग्लैंड का मैच था। इंडिया ने यहाँ पर पहले बैटिंग की। 17वें ओवर में जब रॉबिन उथप्पा का विकेट गिरा तब युवराज सिंह बैटिंग करने आए। अगले ही ओवर में उन्होंने एंड्रयू क्लिंटफ को 2 चौके जमा दिए और इसी मार पर क्लिंटफ इतना बिफर गए कि युवराज से बहस करने लगे। जाते जाते क्लिंटफ ने कुछ कहा और युवराज सिंह बल्ला लेकर उन पर चढ़ गए। कई साल के बाद युवराज ने इंटरव्यूज में बताया कि आखिर तब हुआ क्या था। जब क्लिंटफ को 2 चौके पड़े थे तब वो बिफरे और युवराज के पास पहुँचे, बोला ये तो घटिया शॉट थे, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, आने वाली बॉल देखना। बस क्लिंटफ का इतना कहना था कि युवराज सिंह भड़क गए। उन्होंने धोनी से हाथ मिलाया और बल्ला उठाकर सीधा क्लिंटफ पर पहुंच गए। युवराज ने बल्ला दिखाते हुए गुस्से में ही क्लिंटफ को जवाब दिया। ये तब हो रहा था जब क्लिंटफ का ओवर खत्म हो रहा था और अगले ओवर की तैयारी थी। ये टीम इंडिया की पारी का 19वां ओवर था। स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग करने आए थे, युवराज सिंह स्ट्राइक पर थे। पहली ही बॉल पर उन्होंने बल्ला घुमाया और सीधा छक्का। हर कोई जोश में था। टीवी पर पहले युवराज का शॉट दिखाया गया और बाद में क्लिंटफ का चेहरा। अगली 5 बॉल पर यह सिलसिला चलता रहा, क्योंकि ब्रॉड बॉल फेंकते गए, युवराज छक्का मारते गए और इंग्लैंड का बुरा हाल होता गया। युवराज ने देखते ही देखते 6 बॉल पर 6 छक्के जमा दिए। उस वक्त क्रिकेट की तमाम डिक्शनरी खत्म हो चुकी थी, कोई लाइन लेंथ दिखाई नहीं पड़ रही थी, दिख रही थी बस सफ़ेद गेंद जो युवराज के बल्ले से लगकर आसमान में उड़ रही थी। T20 में युवराज ने जो किया वो पहली बार हुआ था। वनडे में तो हर्षल गिब्स ऐसा कर चुके थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रवि शास्त्री और गैरी सोबर्स भी ये कर चुके थे, लेकिन युवराज जैसा माहौल तो किसी ने नहीं बनाया था। जब पारी खत्म हुई तब युवराज सिंह के नाम 16 बॉल पर 58 रन थे। T20 का सबसे तेज 50 था। युवराज ने अपना 6ठा छक्का जब पूरा किया तब उन्होंने मैदान पर सिर्फ 2 ही लोगों को घूरा था। पहला एंड्रयू क्लिंटफ, जिनसे तभी तभी लड़ाई हुई थी, और दूसरा दिमित्री मैस्करेनहंस, जिनसे युवराज ने कभी 5 छक्के खाए थे। एक पारी से युवराज ने उस वक्त 2 हिसाब बराबर कर दिए थे। युवराज से जुड़ी इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। शुक्रिया।